नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन। आज हम आपसे पी शॉट या पीआरपी थेरेपी डिस्कस करेंगे। ये एक रिसेंट चीज है जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काफी कॉमनली या काफी प्रचलित होते जा रही है। ये होता क्या है, किस तरह से किया जाता है? तो इसमें हम लोग जो है बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं पेनिस में। जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, वैसे भी काफी सालों से कई सारी जगह बॉडी में यूज किया जा रहा है, जैसे हेयर ग्रो करने के लिए, कार्टिलेज बोन का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो कि जहां भी हम लोग उसे इंजेक्ट करेंगे, मसल में, टिश्यू में, वेसल्स में, उसका नया ग्रोथ डेवलप होता है, और यदि कोई डैमेज हो गया है तो उसका रिपेयर करता है। ये प्लेटलेट का फंक्शन रहता है। नॉर्मली भी जैसे कभी किसी को चोट लगती है तो वहां पर प्लेटलेट आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और वहां पर उस चीज को क्लॉट बनाते हैं, और उसके बाद उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसीजर को करना किन लोगों में है, अगला क्वेश्चन ये रहता है। सबसे पहले अपने को बात करना रहेगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मीन्स जिसमें इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। यदि हो भी रहा है तो इनसफिशियंट टाइम के लिए हो रहा है अथवा बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। इस तरह के पेशेंट में हम लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने का अगर जरूरत है तो वो करते हैं। कुछ मेडिकल मैनेजमेंट होता है, वो लेने के बाद भी यदि इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो एक ऑप्शन होता है पेनाइल इम्प्लांट। पेनाइल इम्प्लांट से श्योर शॉट जो है टाइटनेस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन कई लोग यदि सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं या किसी किसी में माइल्ड फॉर्म में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। जो पी शॉट है उसका इंडिकेशन ये होता है कि यदि बहुत सीवियर फॉर्म का इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है और सर्जिकल इंटरवेंशन आप नहीं करना चाहते हैं और वेस्कुलोजेनिक कॉज होना चाहिए, मींस ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं हो पा रहा है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होने के काफी सारे कारण होते हैं। एक कारण उसमें इंपॉर्टेंट रहता है कि वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता पेनिस में, इस वजह से तनाव या तो होता ही नहीं, या होता है तो कम समय के लिए होता है या काफी कम होता है। जो पी शॉट है ऑफिस प्रोसीजर है, बहुत कम समय में पूरा प्रोसीजर हो जाता है, और इसमें एक ही साइड इफेक्ट है कि इसमें मल्टीपल सेटिंग लगती है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, आपके बॉडी का ब्लड निकालते हैं 15-20 ml, उसको मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी को अलग करने के बाद जो सॉल्यूशन ऊपर बचता है उसे हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। उस सॉल्यूशन को हम लोग निकाल के उसके इंजेक्शन डायरेक्टली पेनाइल स्किन के नीचे डालते हैं। जो प्रोसीजर रहता है उसे लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। उस पार्ट को नम करने के लिए या तो हम लोग कुछ इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो पूरा कम्प्लीटली पेनिस एनेस्थेटाइज हो जाता है, या फिर कुछ टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट रहते हैं वो लगा सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर का जो ड्यूरेशन रहता है हार्डली 5-10 minutes रहता है। टोटल ड्यूरेशन पूरा प्रोसीजर का जिसमें सेंट्रीफ्यूज करना अगर इंक्लूड कर ले तो अराउंड 30-40 minutes करीब में हो जाता है। इसमें हम लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं बहुत ही बारीक निडल से लगाते हैं, इंसुलिन सिरिंज जो सबसे पतली निडल रहती है उसके थ्रू इंजेक्शन किया जाता है। कुछ भी पेन नहीं होता जब इस समय करते हैं, अगर प्रॉपर एनेस्थीसिया हम लोगों ने कर चुके हैं तो। इसके अलावा जो प्रोसीजर रहता है उसमें साइड इफेक्ट क्या होंगे, किस तरह से किया जाता है, तो जो प्रोसीजर रहता है इसमें हम लोग को ध्यान रखना रहता है कि यूरेथ्रा में या जो पेशाब का रास्ता है उसमें इंजेक्शन न लगाएं, स्किन के जस्ट नीचे न लगाएं, प्रॉपरली केवरनोसा जो होता है जो ब्लड कैरिंग वेसल रहती है उसमें लगाया जाता है, उसकी मसल्स में लगाया जाता है, और ग्लांस में भी लगाते हैं जो डिस्टल मोस्ट पार्ट रहता है पेनिस का। इसमें जो प्रोसीजर रहता है कितनी बार करेंगे, तो जो एक या दो बार करने से इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फायदा नहीं होता है, कम से कम 5-6 बार करना रहता है। इसका जो डिफरेंस या इंटरवल रहता है दो सिटिंग का, लगभग 4-5 weeks का मान के चलिए, उसके इंटरवल पे हमको ये प्रोसीजर करना रहता है, और 6 बार कम से कम करना रहता है, 5-6 times। पीआरपी जो हम लोग इंजेक्शन करते हैं उससे फायदा क्या क्या होगा, वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा पेनिस में, अगर कोई वेसल्स डैमेज हो गई है तो उसका रिपेयर फास्ट होगा, नई ब्लड वेसल डेवलप होगी, और यदि हम इसे मसल्स में जब लगाते हैं तो मसल्स का डेवलपमेंट भी होता है। तो थ्योरेटिकली इसमें पॉसिबल रहता है कि अगर मसल्स का ग्रोथ होगा तो पेनिस का थिकनेस बढ़ेगा, उसकी लेंथ में भी फायदा होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा इसमें फायदा नहीं होता है, लेकिन थ्योरेटिकली वो भी पॉसिबल है इसके द्वारा, यदि हम प्रॉपर तरीके से करें, कंप्लीट उसका साइकिल लें।